अच्छी हूँ। मेरे फेस पर स्माइल देख के आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैं खुश हूँ। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि रेलवे स्टेशन पर है, ट्रेन की आवाज़ भी देखी आ रही है। अभी हमारी ट्रेन में थोड़ा लेट है, आधा घंटा लगभग है। तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम ट्रेन में बैठ कर बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। डर डर कर बाहर में कर रहे हैं, पहली बार है मेरे बाहर में लॉक करना। यानी आवाज़ भी ठीक से आ रहा है, यानी ईयरफोन से ही आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन में बैठने के बाद हम व्लॉग नहीं कर पाए। ऐसे पहली बार बाहर में व्लॉग कर रहे थे ना, तो वैसे भी रात हो गया था, इसीलिए हम सोचे कि अभी नहीं करते, सुबह ही स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छी हूँ, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी ट्रेन रुकी हुई है, हम लोग रायपुर पहुँच चुके हैं। कल रात में ट्रेन चली थी, 9 बजे ट्रेन थी हमारी, 9 बजे। तो उस टाइम ही नहीं मिला शूट करने का। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं हैदराबाद। हम लोग 3 को ही जा रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड और एक फ्रेंड है, 3 को ही जा रहे हैं हम लोग। ये है बाकी 2 लोग, इधर देखिए आप लोग। हाय बोलिए। ये लोग के लिए भी न्यू है ना, ब्लॉग कर रहे हैं इसीलिए। हैदराबाद जाने का प्लान हमारा अचानक से ही बना था। तत्काल में टिकट बुक हुआ, निकल चुके हैं हम लोग। इधर दादा रास्ता तो पहुंच भी चुके हैं। अचानक ही प्लान बनता है, कभी सोचा हुआ तो होता है पूरा, मतलब हो ही नहीं पाता। बहुत दिन से सोचा हुआ रहता है तो कर ही नहीं पाता है, ऐसे ही अचानक सोचा हुआ ही हो पाता है। कि ड्यूटी से भी छुट्टी नहीं मिल पाता है उस टाइम पे, तो अभी छुट्टी मिला है तो हम लोग निकल चुके हैं हैदराबाद में। हम लोग बहुत मज़ा करेंगे, आप लोग बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में हमारे साथ। ये देखिए हम लोगों को क्या खाना मिला है, पराठा है, चावल है, दाल, और ये मटर आलू की सब्जी, और ये सर छोले है, बोला तो था छोले। तो इधर खाना शुरू कर दिए हैं, अभी 12 बज रहा है तो हम लोग खाना खा रहे हैं सुबह से। तो हल्का फुल्का बस खाए थे, ये ट्रेन में ही खाना, ट्रेन का खाना मिला है। 130 रुपये ना एक प्लेट का, 120 रुपये। देखते हैं कैसा लगता है टेस्ट करके। पराठा मेरा तो उसी को लौटाने छोले तो इतना कम दिया है। ये वाला सब्जी दूर गए तो अरे अचार नहीं निकाले, वो तो निकाल ले, मेरे लिए भी निकाल देना। अचार है वो, अचार अचार मेरा में तो वो है नहीं।
ठीक लग रहा है, टेस्ट ठीक ही ठाक है ना। तो हम लोगों ने खाना खा लिया था, फिर आराम कर रहे थे। और ट्रेन में क्या काम रहता है, बैठे बैठे या फिर लेटे लेटे आराम करना रहता है, बस ऐसे ही टाइम पास होता है। तो आप लोग बाहर का नज़ारा का मज़ा लीजिए, फिर मिलते हैं हैदराबाद पहुंच के। हेलो गाइस, हम लोग अपने रूम आ चुके हैं। हम चेहरे पर थकावट दिख रही होगी आप लोगों को, बहुत थकावट हो गया है। एक दिन पूरा ट्रेन में, 24 घंटा ट्रेन में रह के बहुत थक गए हैं। नींद आ रहा है पूरा। अभी ऐसे ही जैसे तैसे होटल में हम लोग यहाँ सिकंदराबाद में रुक गए हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में ही उतरे तो यहीं पे नज़दीकी में ही होटल बुक कर लिए। पहले से बुकिंग नहीं था, हम लोग ट्रिप का प्लान तो अचानक ही बना था, इसीलिए होटल बुक नहीं कर पाए थे। तो कल के लिए थोड़ा ढंग का होटल बुक होगा। अभी तो जस्ट जो मिला, एक रात के लिए हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं। तो चलिए अब कल सुबह मिलते हैं। कल कहाँ घूमने जाएंगे, कल एक नए दिन के साथ आप लोग के साथ मिलेंगे, थोड़ा फ्रेश भी लगेंगे। हम आज तो बहुत ही थके हुए लग रहे हैं, मतलब थके हुए लग क्या रहे हैं, सही में बहुत थक गए हैं। तो चलिए कल मिलते हैं, गुड नाइट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारा फर्स्ट डे है हैदराबाद में, ये इधर देखिए मेरे हस्बैंड को ये लॉक कर रहे हैं सूटकेस को। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं आज फर्स्ट डे अपना हैदराबाद एक्सप्लोर करने के लिए। पर अभी हम लोग हैदराबाद में नहीं हैं, अभी हम लोग सिकंदराबाद में हैं। ये हमारा आज का, ये मतलब कल रात का ये रूम लिए थे हम लोग, इस रूम को चेंज करेंगे हम लोग आज। तो बस ये एक दिन के लिए था। अभी हम लोग सिकंदराबाद से देखेंगे कहाँ जा सकते हैं। अभी निकलेंगे, पहले नाश्ता करेंगे, फिर घूमेंगे, आप लोगों को भी ले चलेंगे हम लोग के साथ। आप लोग भी इंजॉय कीजिएगा हमारे साथ। तो आई होप कि मज़ा आएगा आप लोगों को, ब्लॉग में बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए तब करने आ गए हैं हम लोग। डोसा, अरे इधर एक इडली खा रहे हैं हम लोग, तीन को ही डोसा खा रहे हैं। नारियल वाली फ्लेवर नहीं आ रहा, नारियल वाली फ्लेवर नहीं आ रहा है। नारियल से लेना, नारियल से बना चटनी। हेलो बोल दी, हम खाने में व्यस्त हैं। हम लोग चलिए नाश्ता करते हैं अब। नाश्ता करने के बाद मिलते हैं।
मीनार जाएंगे, फर्स्ट टाइम इन मेट्रो। तो हम लोग चार मीनार पहुंच गए हैं। मेट्रो से उतरकर हम लोगों ने ऑटो लिया, फिर ऑटो से यहाँ पहुँचे। चार मीनार के आसपास बहुत ही भीड़ था। हम लोग लगभग 12:30 बजे पहुँचे थे। इतनी धूप में भी वहाँ पे इतने सारे लोग घूमने गए थे, बहुत ही क्राउडेड प्लेस था। नीचे रखना है पानी, लगता तीन का है, देखो बड़ा वाला 50 का 3 आएगा, बोले 20 का 1 50 का 3 है, तीला से सब बनेगा, ले ले 20 का 1 50 का 3। फिर हम लोग चार मीनार के अंदर गए। एक पतला सा रास्ता था, ऊंचा ही था, थक गए थे हम लोग चढ़ते चढ़ते। फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए। देखिए ऊपर से नज़ारा, इतना भीड़ है। एक मस्जिद भी है चार मीनार के सामने। ये ऊपर से नज़ारा चार मीनार का। हम लोग जल्दी ही निकल गए थे यहाँ से, ज़्यादा देर हम लोग नहीं रुके। यहाँ पे शॉपिंग के लिए मेरे हिसाब से तो अच्छा ही होगा, बहुत सारा स्टॉल लगा हुआ था। ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए हम वहाँ पे, हम लोग जल्दी निकल गए वहाँ से। हम लोगों ने ऑटो लिया, फिर वहाँ से हम लोग NTR गार्डन के लिए निकले। NTR गार्डन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, NTR एक सुपरस्टार, साउथ के सुपरस्टार हीरो, उनके नाम पे गार्डन का नाम पड़ा है।
NTR गार्डन के सामने ही NTR सुपरस्टार समाधि भी है, वहाँ भी हम लोग गए। तो हम लोग पहुँच गए NTR गार्डन। ये NTR गार्डन के जस्ट अपोजिट में हुसैन सागर भी है। हुसैन सागर रात के टाइम पे ज़्यादा अच्छा दिखता है, हम लोग तो दिन में ही गए थे। तो हम लोग पहुँच गए NTR गार्डन। ये उसका गेट है। गार्डन के अंदर घुसने से पहले हम लोगों ने सोचा कि कुछ खा लेते हैं पहले, तो हम लोग खाने पीने का कुछ ढूंढ रहे थे। बहुत धूप था तो हम लोगों ने सोचा कि जूस ही पीना ठीक रहेगा, तो फिर गन्ने का जूस हम लोग पिए। मसाला डोसा, क्या बोलते भाई इसको? मसाला सोडा। मसाला सोडा कैसा लग रहा है? पानी पूरी जैसा। दीजिए तो हम भी टेस्ट करते हैं। लीजिए मसाला सोडा बना रहे भैया। मसाला सोडा हाँ, क्लॉक रूम में बैग रख दिए। यहाँ एंट्री करके इधर बैग रख के यहाँ पे भी एंट्री टिकट लेना है। इसमें एडल्ट 20, चिल्ड्रन 10। इतना धूप लग रहा, सूरज देही पे आ गया है। एक आदमी फोटो लेने के लिए बोल रहे तो मेरे हस्बैंड बोल रहे फोन है। बहुत मजाकिया है ये ना। यहाँ पे छाया है, अच्छा लग रहा है।
इधर का गोलगप्पा डिफरेंट है, इसमें सिर्फ छोला डाला भैया ने और पानी, आलू नहीं डालते हैं इधर, पर अच्छा लगा, अच्छा टेस्ट है। बीस का 7 पीस गोलगप्पा, ये देखिए गोलगप्पा ऐसा होता है महंगा है। NTR गार्डन से निकलकर हम लोगों ने गोलगप्पा खाया, फिर हम लोग NTR की समाधि वाले गार्डन में गए, वहाँ घुसने से पहले चप्पल जूता सब उतार कर घुसना रहता है। ये है इस गार्डन का एंट्रेंस, एंट्रेंस इसका बहुत ही सुंदर है, ये डिज़ाइन यहाँ पे जो है जो दिख रहा है आप लोगों को। यही है समाधि इनका, देखिए NTR सुपरस्टार, साउथ के सुपरस्टार का। इधर NTR हीरो का समाधि है और उधर पार्क है, NTR पार्क, जिसमें अभी हम लोग होकर आ रहे हैं, उधर ही से आ रहे हैं हम लोग, बुला रहे हैं। अभी RR मूवी में NTR जूनियर है, उन्हीं के दादाजी हैं, मतलब दादाजी का समाधि है ये, हैदराबाद में इनका समाधि है। अच्छा बनाया गया है, एंट्री देखिए इसका कितना शानदार है, बहुत सुंदर है। गार्डन से निकलकर हम लोग हुसैन सागर के आसपास ही टहल रहे थे थोड़ी देर। ये हुसैन सागर में गौतम बुद्ध का बड़ा सा स्टैचू है, यहाँ पे बोट से ले जाया जाता है, वहाँ एक टापू की तरह है, पर हम लोग नहीं गए वहाँ पे। फिर एक बड़ा सा फ्लैग स्टैंड भी था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। फिर हम लोग अपने होटल के लिए निकल गए, हम लोग जल्दी ही निकल गए, अभी तो 4 ही बज रहा था, फिर भी हम लोग निकल गए क्योंकि हम लोग को न्यू होटल में शिफ्ट करना था, होटल भी ढूंढना था, पहले तो ढूंढे नहीं थे इसीलिए जल्दी निकल गए। सिकंदराबाद पहुंचकर हम लोगों ने पहले डिनर किया, फिर होटल के लिए निकले, होटल मिलने के बाद फिर होटल में शिफ्ट किए। चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, ये पार्ट 1 था, इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप लोगों का कमेंट ही मुझे और हिम्मत देगा ऐसे पब्लिक में ब्लॉग करने का, फर्स्ट टाइम था मेरा इस तरह कहीं बाहर जाकर ब्लॉग शूट करना। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, बाय।